हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज गैसेस। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग जो है मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और मैटर की थ्री स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड्स और लिक्विड्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द गैसेस। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है गैसेस। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैव मोर स्पेस बिटवीन देम। जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस पाया जाता है। आप लोगों ने इससे पहले सॉलिड और लिक्विड के भी मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा होगा। मैंने बताया था कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। और लिक्विड में भी हमने पढ़ा था कि उनके जो बीच में है अट्रैक्शन फोर्स होता है, पर बहुत कम होता है। तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड्स के, वो थोड़ा दूर दूर पाए जाते हैं। लेकिन ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। इनके बीच में जो स्पेस है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, बहुत ज़्यादा स्पेस पाया जाता है। आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हो, आपकी बुक में भी पिक्चर दी हुई है, तो उसमें भी ध्यान से देखना एक बार। सेकेंड पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो गैसेस के बारे में, दैट इज दे कैन मूव फ्रीली एट ए फास्टर स्पीड। और ये फ्रीली मूव कर सकती हैं, घूम सकती हैं, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स तो होता नहीं है। इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री होते हैं, तो ये फ्रीली जो है मूव कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जो गैस है वो अगर कहीं से गैस लीक होती है, तो वो हवा के अंदर उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उड़ने लग जाते हैं, यानी कि गैस जो है वो निकलने लग जाती है, जिसे हम गैस को लीकेज होना भी बोलते हैं। तो वो हवा में फैल जाती है, तो ये एकदम फ्रीली मूव जो है वो करने लगती है और स्पीडली मूव करती है। थर्ड पॉइंट देखिए, गैसेस आर कंप्रेसिबल इन नेचर। गैसेस जो है उनकी नेचर होती है कंप्रेसिबल, यानी कि गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। इससे पहले जो है सॉलिड हमने पढ़े थे, सॉलिड्स जो है कंप्रेसिबल नहीं थे, उनको दबाया नहीं जा सकता। और लिक्विड भी कम कंप्रेसिबल होते थे, लेस कंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन गैसेस जो है वो कंप्रेसिबल होती हैं, ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। गैसेस का जो है कोई फिक्स शेप या फिर वॉल्यूम नहीं होता है। गैस का भी कोई ना तो कोई शेप होती है, आप लोगों ने देखा ही होगा, कोई शेप नहीं होती, और ना ही कोई फिक्स्ड जो है इसका वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वेपर एट्सेट्रा आर सम एग्जांपल्स ऑफ गैसेस। ये कुछ कॉमन गैसेस के नेम हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। ऑक्सीजन, आप लोगों ने सुनी होगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो एनवायरनमेंट के अंदर भी है, पाई जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्रीथिंग के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है, जो कि हम ब्रीदिंग के द्वारा बाहर निकालते हैं, रिलीज करते हैं। और वाटर वेपर, आपने देखा होगा वाटर वेपर, जब वाटर को हम बॉईल करते हैं तो जो वो स्टीम बनती है, भाप बनती है, वो वाटर वेपर, वो भी एक गैस है। तो
वाटर वेपर एटसेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेस। ये सभी गैसेस के एग्जाम्पल्स हैं। तो आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो यही था, गैसेस के बारे में। आप ये जो पॉइंट मैंने दिए हैं इनको अच्छे से पढ़ेंगे, लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे।